मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि कार्तिक मास चला है, कार्तिक मास में दोस्तों विशेष महत्व होता है पूजा पाठ का। यहाँ मैं तुलसी विवाह कर रही हूँ, कार्तिक की हर चीज मैंने आपको दिखाई है अपनी चैनल पर, किस तरह से स्नान करते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं तुलसी विवाह रचा रही हूँ, जिसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर भी डाली है। और दोस्तों कार्तिक में अगर आपने अभी तक कुछ नहीं करा है तो पूर्णमासी पर जरूर कर लीजिए। पूर्णमासी पर आपको 365 दिए जरूर जलाने हैं और व्रत रख सके तो और भी बढ़िया बात है। और तुलसी विवाह अगर आप नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेकअप का सामान, थोड़ा सा चुनरी वगैरह पूर्णमासी पर जरूर अर्पित कर दें, जिससे आपको विशेष लाभ होगा। अगर आपकी दोस्तों कोई मनोकामना है तो आप पीला धागा लेकर पूर्णमासी या फिर तुलसी विवाह पर क्या करना है, पीला धागा कर लीजिए। जो वो होता है धागा सफ़ेद ले लीजिए, उसे हल्दी में पीला कर लीजिए। अगर नहीं मिल रहा है तो उस पीले धागे को आप तुलसा जी में बांध दीजिए अपनी मनोकामना कहते हुए, आपकी सारी मनोकामनाएं दोस्तों पूरी हो जाएंगी। अगर विवाह में किसी संबंधी परेशानी आ रही है तो हल्दी का आपको जल चढ़ाना है रोज। हम मंदिर पहुंच गए हैं, सबसे पहले गणेश जी को जल चढ़ाइए, बाद में भोलेनाथ को, फिर माँ गौरा को, फिर कार्तिकेय को, फिर नंदी को। इस तरह से आपको जल चढ़ाना है, धीरे धीरे पतली धार से चढ़ाना है और बैठ के चढ़ाना है, क्योंकि जो शिवलिंग होता है वो अगर हमारा जमीन पे ही शिवलिंग है, अगर डमरू के आकार का नीचे से है तो आप खड़े होकर चढ़ाएं। इस तरह से अगर जमीन से ही निकला हुआ है, जमीन में लगा हुआ है, तो आपको बैठ कर ही जल चढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से मैंने सबको जल चढ़ा दिया है। हर चीज का तरीका होता है, कहते हैं मंदिर में दीपदान का विशेष महत्व है, तो मंदिर में जरूर जाइए। चाहे आप लास्ट के 5 दिन जाइए, लेकिन मैं कार्तिक के महीने में जरूर जाती हूँ मंदिर। तो इस तरह से मैंने अपना सामान सारा ले लिया है। अब मैं तिलक लगाऊंगी। आपको सबसे पहले बता दूं, आपको भोलेनाथ के कभी भी रोली का टीका नहीं लगाना चाहिए, ना ही रोली का लगाना चाहिए, ना ही हल्दी का लगाना चाहिए। आपको इस तरह से चंदन ले लीजिए, चंदन की एक डिब्बी आती है, उसे खरीद लीजिए। माता पार्वती को आप रोली का लगा सकती हैं, तो रोली ही लेके आई हूँ मैं उनके लिए। लेकिन आप जो टीका लगाएंगे भोलेनाथ को, वो इस तरह से आपको उसका ही लगाना है। तो चंदन ले लिया है मैंने, चंदन को अच्छी तरह से पानी में घोल लिया है। अब मैं उनको इस तरह से टीका लगा दूंगी। 3 उंगली लीजिए, 3 उंगली से आप इस तरह से माथे पर उनके लगा दीजिए। बहुत शुभ माना जाता है। पहले मैंने गणेश जी को ही कहते हैं ना, सर्वप्रथम गणेश पूजा, सर्वप्रथम हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने 3 उंगलियों की सहायता से इस तरह से भोलेनाथ के टीका लगा दिया। इसी तरह से लगाना चाहिए। और हर चीज के नियम होते हैं, पुष्प चढ़ाने के नियम होते हैं, हर चीज के नियम मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है कि भोलेनाथ की पूजा में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत गलतियां कर बैठते हैं हम, खड़े होकर जल चढ़ा देते हैं। कभी भी खड़े होकर, अगर शिवलिंग नीचे है तो कभी भी खड़े होकर जल ना चढ़ाए, कभी भी जलधारी को ना लांगे। और इस तरह से मैंने कर दिया है। आप जब भी, जैसे कि मैंने भोग लगा दिया है, चीनी वगैरह लेके गई थी मैं, चावल, फूल जब भी आप चढ़ाएं तो उसका फूल का जो मुख होता है वो, ये जो देखो मैंने 2 फूल ले रखे हैं, एक गुलाब का है मेरे हाथ में और एक है मेरे हाथ में गुड़हल का। तो गुलाब का फूल आप
भोलेनाथ पर चढ़ाए और गुड़हल का फूल माँ पार्वती को। कभी भी भोलेनाथ को गुड़हल का फूल नहीं चढ़ता है, याद रखें, कभी भी गुड़हल का फूल भोलेनाथ पर ना चढ़ाएं, उनको चढ़ता ही नहीं है गुड़हल का फूल। तो माँ पार्वती को बहुत प्रिय है गुड़हल का, माँ पार्वती को। इस तरह से मैंने फ्रूट अगर आप लेके गए हैं तो फ्रूट कभी भी आपको शिवलिंग के पास नहीं रखना चाहिए। बहुत से होते हैं लोग शिवलिंग के पास ही रख देते हैं, गलत माना जाता है। तो आपको कभी भी शिवलिंग के पास फ्रूट नहीं रखने चाहिए। यहाँ पर थाली रखी रहती है, वैसे तो मंदिर में आज नहीं थी तो मैंने वहीं रखवा दिया है। तो इस तरह से आपको भगवान जी को थोड़ा सा टच करके भोग लगा दीजिए, जैसे भोग लगाते हैं, और उसके बाद वहाँ पर जो अलग से थाली होती है वहाँ पर रख दीजिए। कभी भी शिवलिंग के आसपास आपको फ्रूट वगैरह नहीं रखना चाहिए, बस बेलपत्र आदि वगैरह फूल वगैरह आप चढ़ा सकते हैं। अब मैं देखो दिया स्थापित करूँगी। दिया स्थापित करने के भी बहुत नियम होता है। तो आप, मैंने यहाँ पे सतिया बना लिया है और थोड़े से चावल और चीनी डाल दिए हैं, तो आपको इसी तरह से बनाना है। और थोड़े से पुष्प रख दिए हैं, क्योंकि मंदिरों में हम प्लेट वगैरह लेके नहीं जा सकते, आसन भी नहीं लेके जा सकते, तो इस तरह से आप अपने दिए को आसन दे सकते हैं। मंदिर में जब भी जाएं आप इस तरह से दिए को आसन देकर ही जलाएं। और मिट्टी के दिए का विशेष महत्व है, तो मिट्टी का ही दिया आपको जलाना है इस तरह से। कार्तिक के महीने में आप बहुत सारे दिए लाकर रख लीजिए, समझ लीजिए दीपदान का विशेष महत्व है। दीपदान का बहुत अच्छा महीना है। जैसे मैंने बताया फूल का, मैं भूल गई आपको बताना, फूल जो आपको लेना है उसका मुख जो हो फूल का वो भोलेनाथ की तरफ होना चाहिए, और जो बेलपत्र चढ़ता है तो उसकी जो डंडी होती है पीछे की वो जहाँ पर वो जाती है जलधारी जाती है उस तरफ को उसका होना चाहिए डंडी का मुख। तो इस तरह से चलता है, उल्टा बेलपत्र लगाइए उस पर, आप कुछ ना कुछ बिंदी जरूर लगाइए, सादा बेलपत्र नहीं चढ़ाइए। और याद रखें कि बेलपत्र हमेशा जल के साथ चढ़ता है, कभी भी बेलपत्र ऐसे ही ना चढ़ाएं, हमेशा बेलपत्र जल के साथ ही चढ़ता है। तो इन बातों का ध्यान रखें। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं बहुत जानकारी देने लगी, तो वीडियो उपयोगी लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा। जो आगे वीडियो मिलती है।